हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ए प्लस वी ए पी 5500 मॉडल का बैक पैनल में सेटिंग कैसे किया जाता है हम आपको बताने वाले हैं। तो देखेंगे कि इसमें बेस चलाने के लिए किस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं, डबल 15 बजाने के लिए किस मोड में रखना सही रहेगा और ब्रिज पैरेलल स्टीरियो मोड कैसे किया जाता है। तो हम आपको सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, तो काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो से आपका नॉलेज इंक्रीज और एनहेंस होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, डीजे इक्विपमेंट से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए प्लस वी ए पी 5500 का बैक पैनल में सेटिंग कैसे करना है, अगर बेस बजा रहे हैं या फिर टॉप चलाने के लिए, मॉनिटर्स चलाने के लिए किस मोड में आपको चलाना चाहिए, ठीक है, पैरेलल या फिर ब्रिज, तो कैसे करना है, हम अपने सेटअप में कैसे करके चलाते हैं, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एम्पलीफायर में यहाँ पे क्या करोगे, आपको पहले यहाँ पे इसको पावर देना चाहिए, ठीक है। पावर देने के बाद यहाँ पे इसका सारा सेटिंग कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपका एम्पलीफायर चालू है तो उसको आप शट ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा एम्पलीफायर शट ऑफ हो चुका है, मतलब कि ऑफ कंडीशन में चला गया है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को करना है कि सबसे पहले आप इसमें इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि इस केबल के जरिए, इस पिन के जरिए, जैसे कि मेरे पास है TRS पिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इनपुट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा इनपुट। चलिए इसको हटाते हैं, आपको दिखेगा अच्छे इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया हमारा इनपुट जो मिक्सर से आने वाला है सिग्नल, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप इसको किस मोड में चलाना चाहते हैं, अगर आप बेस बजा रहे हैं, ठीक है, तो ये एम्पलीफायर तो काफ़ी कम वाटेज आउटपुट करता है, 8 ओम्स पे शायद 500 वाट या फिर 600 वाट समथिंग यहाँ पे कुछ देता है ये। अगर आप बेस चला ही रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर बेस चला रहे हैं तो इस स्विच को जो है आपको इधर कर देना है, सबसे एंड में 120 हर्ट्ज पे, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से कर रहे हैं क्योंकि आपका यहाँ पे उंगली जाने वाला नहीं है। ये हो गया बेस बजाने के लिए, जो भी 18 इंच का कम वाट का स्पीकर है आप चला सकते हैं, या फिर बेस मोड में अगर आपको यूज़ करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। हम 1500 वाट का बेस PODU का इस एम्पलीफायर पे चलाए हैं, अगर कभी मौका मिलेगा तो इस पे भी वीडियो बनाएंगे, अगर चैनल पे रहिएगा तो ज़रूर देख लीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है। अगर डिमांड आया कि कैसे करना है, क्या करना है, हम एक सीज़न दो सीज़न चलाएं इस एम्पलीफायर से PODU 1500 वाट का स्पीकर, आप बिलीव ही नहीं कर सकते। हमको भी बिलीव नहीं हो रहा था, हम पहले अपने घर में टेस्टिंग किए थे, उसके बाद फिर किए थे। तो फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं, अगर हमको इस पे 15 इंच बजाना है, मतलब कि टॉप्स चलाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फुल रेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे है आपका फिल्टर, जो भी क्रॉस ओवर है, तो यहाँ पे आपको इसको फुल रेंज में कर सकते हैं, इसको सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से कर देना है, ये आ गया आपका सेंटर में, देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है एम्पलीफायर, जो भी इसमें सिग्नल आएगा वही सिग्नल आपका 15 इंच में जाने वाला है, मतलब कि टॉप चलाने के लिए ये सेटिंग इसमें इस मोड में रखने के लिए काफ़ी बेस्ट है। अगर आप 15 इंच का स्पीकर नहीं चला रहे हैं, थोड़ा कम वाट का स्पीकर है, उसमें बेस भी नहीं जाना चाहिए उतना, तो आप किस मोड में चलाओगे, आपके पास क्रॉसओवर भी नहीं है तो उसको सेटिंग करें, ठीक है। और भी एम्पलीफायर्स आपने लगा रखे हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जो भी मेरे पास मिड रेंज का जो टॉप है उसको हम कैसे चलाते हैं, उसको हम इस मोड में चलाते हैं, इस सबसे इसको एंड में आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फिल्टर वाला ऑप्शन का, हम यहाँ पे आपको बताएं। अब आपको किस मोड में चलाना चाहिए वो ज़्यादा इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम चलाते हैं इसको स्टीरियो मोड में। स्टीरियो मोड में आप कैसे कर सकते हैं, सपोज डेट आपका ये जो है सब इधर उधर किया हुआ है, ठीक है, तो आप स्टीरियो मोड में देख सकते हैं कैसे करना है। 1 नंबर पिन जो है आपको यहाँ पे ऊपर करना है, 2 नंबर पिन को भी ऊपर कर देना है, ठीक है। 3, 4, 5 ये डाउन रहेगा, 6 भी डाउन रहेगा, तो आपका ये चले जाएगा किसमें, स्टीरियो मोड में, ठीक है। अब मेरे पास एक ही इनपुट है, मिक्सर में लिमिटेशन है, हम यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए। तो मेरे पास एक ही इनपुट है, तो यहाँ पे हम इसमें एक इनपुट कर दिए,
ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं मोबाइल का कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे, ठीक है। यहाँ पे एक इनपुट कर दिया, मेरे पास दूसरा इनपुट नहीं है, तो इसमें चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे एक नंबर का जो यहाँ पे जो मोड सेलेक्टर स्विच जो है, यहाँ पे इसको आप एक नंबर को डाउन कर दोगे, ठीक है, दो नंबर ऊपर रहेगा, तीन नंबर भी ऊपर रहेगा, चार नंबर भी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, पाँच नंबर डाउन, छः नंबर डाउन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इनपुट और दो आउटपुट, मतलब कि आपका पिन बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप पैरेलल मोड में चलाओगे तो आप इस कंडीशन में भी चला सकते हैं, आपके पास अगर कम आउटपुट्स है, मतलब कि कम आप मिक्सर से निकल रहा है सिग्नल, तो आप इस कंडीशन में चला सकते हैं। बाकी हम चलाते हैं स्टीरियो मोड में, हमको काफ़ी पसंद है स्टीरियो मोड, क्योंकि मेरे हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है, इसमें कम व उसमें ज़्यादा, तो हम अपने हिसाब से देख लेते हैं। अब बात है कि हमको एम्पलीफायर का दोनों जोन का पावर एक में चाहिए, ठीक है, तो उस मेरे पास हाई वाट का स्पीकर है, तो उस कंडीशन में मेरे पास एम्पलीफायर नहीं है और मेरे पास ये एम्पलीफायर है, तो हम इससे कैसे आउटपुट ले सकते हैं दोनों जोन का मिला के, ठीक है, या दोनों चैनल का मिला के, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो देख सकते हैं, आपको समझना होगा, तो थोड़ा सा कैमरा को उधर करते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए। तो ब्रिज मोड का मतलब होगा एक इनपुट एक आउटपुट, दोनों जोन का मिला करके आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ डायरेक्शन दिया गया, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ से इस बीकॉन से भी ले सकते हैं। तो ब्रिज मोड में यहाँ पे आप हाई वाट का स्पीकर चला सकते हैं, अगर आपके पास 18 इंच का सिंगल स्पीकर है तो आप ब्रिज मोड में अगर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले इसको सब बूफर मोड में डाल सकते हैं, या फिर आपके पास क्रॉसओवर है तो आप इसको फुल रेंज में ही रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्रिज मोड के लिए एक नंबर को क्या करना है, डाउन करना है, दो नंबर को भी डाउन करना है, तीन नंबर को भी डाउन करना है, चार नंबर को भी डाउन कर देना है, पाँच नंबर को ऊपर कर देना है, इस तरह से छः नंबर को ऊपर कर देना है, सात नंबर, देख सकते हैं यहाँ पे जो ये ऑन ऑफ है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है होता है, ठीक है, आप इसको हमेशा ऑन रखें, चाहे स्टीरियो मोड में हो या फिर पैरेलल मोड में हो या फिर ब्रिज मोड में हो, आप इसको हमेशा ऑन रखिए, हम भी ऑन रख के ही चलाते हैं। बाकी हम किस मोड में चलाते हैं, आपको ये जानना है कि हम किस मोड में चलाते हैं, हम क्या करते हैं, देखिए हम इसमें चलाते हैं 2 15 इंच चलाते हैं जो टॉप होता है, तो हम इस एम्पलीफायर से वही यूज़ करते हैं। इससे पहले मेरे पास जो एम्पलीफायर नहीं था, तो इस एम्पलीफायर से बेस चलाया करते थे, दो इनपुट करते थे, यहाँ से दो आउटपुट लेते थे, ठीक है, और क्या करते थे, इसको सब ऊपर मोड में डालते थे बेस चलाने के लिए, बाकी इसको कर दिया ऊपर ऊपर और इसको नीचे नीचे, पांच भी नीचे, छः भी नीचे, ये मेरा हो जाता था स्टीरियो मोड में। स्टीरियो मोड में हम चलाते थे सब बूफर भी चला लेते हैं या फिर आप टॉप्स भी चला सकते हैं, बस यहाँ पे आपको ये सेलेक्टर स्विच का ध्यान रखना होगा बेस चलाते समय और फुल रेंज के समय। एक बार क्या हुआ था कि इसी को एम्पलीफायर दे दिए थे, वो बैक में देखा ही नहीं और बौखलाने लगा कि आवाज़ दे ही नहीं रहा है, मतलब ऐसे बोला था आवाज़ दे लो नहीं छो हम पगलाए गए छो, तो मतलब कहने का मतलब कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था, उसको बोले कि यहाँ पे जाके फिल्टर में तुम जाके करके फुल रेंज को सेलेक्ट कर लो, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उस भाई साहब ने ऐसे किया था तो बाकी वो चलने लगा, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा। और एक बात का काफी ध्यान रखना है कि आपको एम्पलीफायर ऑन करते समय ये सब खांड नहीं करना है, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जो भी सेटिंग कर लिया, जैसे कि हमको टॉप चलाना हो तो इसको पहले सब कुछ यहाँ पे जो भी क्रियाकलाप है आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बात है कि इसका इनपुट बैलेंस या फिर अनबैलेंस, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम तो ज़्यादा इसी पिन का यूज़ करते हैं, XLR का कम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपके चॉइस पे होता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें क्वालिटी ज़्यादा दे देगा या फिर उसमें क्वालिटी कम दे देगा, ठीक है, तो कुछ होता है, ठीक है। तो बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसका कनेक्टर बनाने के लिए, तो हम उस पर भी वीडियो बना चुके हैं, XLR टू TS पिन कैसे बनाना है, तो देख सकते हैं, चैनल पर अभी पड़ा हुआ है। बाकी एम्पलीफायर में अगर बेस चला रहे हैं तो अगर इसके बारे में भी जानना है तो हम एक वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको देखना ही है कि इसमें कैसे चलाना है, पूरा एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखा सकते हैं, बस आप कमेंट कर दीजिएगा, तो इस पर भी हम वीडियो बना के बताएंगे।
तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, ए प्लस वी ए पी 5500 मॉडल का बैक पैनल सेटिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ क्लियर कर दिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम वीडियो जरूर बनाएंगे, टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करके आपके साथ नॉलेज को शेयर करेंगे। और इस एम्पलीफायर के बारे में डिटेलिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दिख जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम पूरा स्पेसिफिकेशन प्राइस डिटेलिंग सब कुछ क्लियर किए हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।